बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और एमसीक्यूज इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड और थ्री टेल इन टॉसिंग अ कॉइन थ्री टाइम्स। तो यहाँ से बच्चों हमको टोटल चांस क्या मिल जाएगा, टोटल चांस हमारा हो जाएगा एक कॉइन को हमें थ्री टाइम्स टॉस करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू टू द पावर एन होता है फार्मूला, तो यहाँ पे एन की वैल्यू अगर हम थ्री पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, टू इंटू टू इंटू टू, यानी हमारा रिजल्ट एट आ गया। इसको अगर इन आउटकम्स को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे ले सकते हैं, पहला आउटकम्स हमारा हेड 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 हो जाएगा, दूसरा हमारा हेड हेड टेल हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हेड टेल हेड हो जाएगा, नेक्स्ट टेल हेड हेड हो जाएगा, और नेक्स्ट हेड टेल टेल हो जाएगा, और नेक्स्ट टेल हेड टेल हो जाएगा, और नेक्स्ट टेल टेल हेड हो जाएगा, और लास्ट में टेल 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 हो जाएगा। तो बच्चों हमसे कह रहा है कि थ्री हेड और थ्री टेल, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, और कहीं भी आएगा तो वहाँ पे आपको ऐड का यूज़ करना है, और आ जाएगा तो भी आपको ऐड यूज़ करना है, आइदर और आएगा तब भी आपको ऐड यूज़ करना है, ना इधर नॉर आएगा तब भी आपको ऐड यूज़ करना है। तो फेवरेबल चांस अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, थ्री हेड, तो ऐसा आउटकम सिर्फ हमारे पास एक है जहाँ पे थ्री हेड हैं तो वन हो जाएगा, प्लस थ्री टेल, तो ऐसा आउटकम भी हमारे पास सिर्फ एक है लास्ट वाला, तो ये वन हो जाएगा। तो यहाँ से फेवरेबल चांस क्या हो गया, टू। तो अगर आप प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो टू अपॉन क्या होगा, एट, टू से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो रिजल्ट हमारा वन अपॉन फोर, यानी हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो बच्चों यहाँ से टोटल चांस हमारे क्या हो जाएंगे, 52 हो जाएगा एट रैंडम, द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर एन एस और अ किंग, यानी हमारा फेवरेबल चांस क्या हो जाएगा, एक हमको क्या लेना है, एस लेना है, होते कितने बच्चों, फोर एस होते हैं, और दिया गया तो हम ऐड कर लेंगे, अ किंग तो फोर किंग होते हैं, तो ओवरऑल हमारा फेवरेबल चांस कितना हो गया, एट। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, एट अपॉन 52, इसको अगर हम सॉल्व करें तो फोर से टू टाइम्स और फोर से 13, तो हमारा आंसर क्या होगा, टू अपॉन 13। तो बच्चों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, कह रहा अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स एट रैंडम। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा टोटल चांस जो होगा वो 52 हो जाएगा। फिर बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर एन एस नॉर अ किंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि फेवरेबल चांस आप जब निकालोगे तो कह रहा है ना तो वो एस हो और ना ही वो किंग हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल कार्ड 52 होते हैं, अब उससे हमें सारे एस को हटा देना है, तो फोर एस होते हैं माइनस कर दिया, प्लस सारे किंग को आपको क्या करना है, हटा देना है, तो फोर किंग भी होते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 52 माइनस 8, यानी हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 44। तो अगर आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 अपॉन 52, तो 4 से हमारा 11 हो जाएगा और 4 से हमारा 13, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 11 अपॉन 13, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड। बच्चों क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, अगर आप इसका अच्छे से मतलब निकाल पाएंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ज़रा सी भी आपको गलती नहीं करनी है। इसमें कह रहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड, तो आपको सबसे पहले समझना है कि फेवरेबल चांस क्या होगा। तो बच्चों हमारे पास जो डायमंड होता है उसमें सिर्फ एक ही क्वीन होती है, और ओवरऑल जो कार्ड्स होते हैं बच्चों 52 होते हैं, यानी टोटल चांस हमारा क्या हो गया, 52। अब 52 कार्ड्स में सिर्फ एक क्वीन को चूज़ करना जो डायमंड की हो, तो हमारा फेवरेबल चांस वन हो गया। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यहाँ से तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 52, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर विल हैव 53 संडेज और 53 मंडे इज। देखिए ध्यान से, सबसे पहले टोटल चांस हमें पता करना होगा क्या होगा, फिर हमें फेवरेबल चांस निकालने होंगे। उसके पहले हम समझते हैं कि जो लीप ईयर होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, तो बच्चों उसमें 366 होते हैं। तो अगर हम ये चेक करना चाहें कि लीप ईयर में कितने वीक्स होंगे, तो सबसे पहले हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे 366 को, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर आएगा, फिर हम 6 को कैरी करेंगे, 7 × 2 = 14, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, 2 डेज क्या होंगे, लेफ्ट हो जाएंगे,
दो दिन हमारे बच जाएंगे। तो ये दो दिन क्या क्या हो सकते हैं? संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और या सैटरडे क्या होगा, संडे हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 52 जो होंगे वो संडे मंडे यानी कि सारे दिन होंगे, पर हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 53 संडेज़ और 53 मंडेज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक लीप ईयर में। तो अगर आप ये सारे आउटकम्स देखें तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, टोटल चांस बन जाएंगे, यानी कि टोटल चांस हमारे पास कितने आ गए, 7। अब इसमें क्या कह रहा है कि फेवरेबल चांस हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 53 संडेज़ और 53 मंडेज़। तो सबसे पहला वाला आउटकम देखिए, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, तो एक तो हमारा आउटकम ये हो गया, और लगा हुआ है तो यहाँ ऐड लगा देंगे। फिर एक संडे हमको लास्ट में मिल रहा है एक संडे, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और एक मंडे हमें सेकंड नंबर पे मिल रहा है, तो हमारे पास कितने आउटकम्स फेवरेबल हो गए, 3। तो हमारा ये फेवरेबल चांस क्या आ गया, 3। तो अगर हम यहाँ से प्रॉबिलिटी निकालेंगे तो बच्चों क्या होगा, 3/7, यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर। तो बच्चों नॉन लीप ईयर जो होता है, नॉन लीप ईयर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉमन ईयर, जिसमें क्या होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो अगर 365 डेज की बात की जाए तो 52 वीक्स होते हैं और एक दिन बच जाता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस नॉन लीप ईयर में 53 फ्राइडेज और 53 सैटरडेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि 53 सैटरडे हो जाए और 53 क्या हो जाए, फ्राइडे हो जाए। हम चेक कर लेते हैं, जब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक हमारा दिन बचेगा रिमेनिंग, तो हमारा वो दिन क्या हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, या वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, और सैटरडे हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 7 आउटकम्स। तो इसमें कह रहा है कि नॉन लीप ईयर में 53 फ्राइडेज और 53 सैटरडेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऐसा कोई आउटकम्स नहीं है जिसमें फ्राइडे सैटरडे साथ में आ रहे हों, तो इसका मतलब हमारा फेवरेबल चांस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और टोटल चांस बच्चों क्या दिया गया, 7। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 0/7, यानी हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ पे ये जो संडे मंडे ट्यूसडे, ये एक दिन रिमेनिंग बच रहा है, उसको हमने लिखा है कि वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 53 फ्राइडेज एंड 53 सैटरडेज, यहाँ पे आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे, यहाँ पे एंड दिया गया है। एंड का मतलब क्या होता है कि हमें एक साथ में देखना है कि फ्राइडे और सैटरडे एक साथ कहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसा कोई आउटकम्स नहीं है जहाँ पे दोनों एक साथ आ रहे हों। अगर यहाँ पे और लगा होता तो फ्राइडे हमारा एक बार आ रहा है, सैटरडे एक बार आ रहा है। इसी क्वेश्चन को आपको चेंज भी कर सकता है, अगर यहाँ पे एंड की जगह पे लिख देता कि और 53 फ्राइडेज और 53 सैटरडेज, तो आप क्या कहते कि हमारा फेवरेबल चांस क्या हो जाएगा, एक फ्राइडे मिल रहा है और एक सैटरडे मिल रहा है, तो ये हमारा 2 आ जाएगा, और टोटल चांस क्या है हमारा, 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 2/7। लेकिन यहाँ पे तो एंड दिया गया है, एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों एक साथ कब आएंगे, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो इसको आप ध्यान से इसका डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन अनबेस्ड अन कह रहा एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन वंस, एक बार उसको फेंका गया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अ प्राइम और कंपोजाइट नंबर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि टोटल चांस क्या होंगे। तो बच्चों एक डाई जो होता है उसमें 6 क्या होते हैं, आउटकम्स होते हैं। फिर कह रहा है अब वो होते क्या क्या हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें फेवरेबल चांस क्या कह रहा है कि वो जो आउटकम्स हो वो प्राइम नंबर हो। तो बच्चों प्राइम नंबर कितने होते हैं, 2, 3 और 5, 3 तो प्राइम नंबर हो गए, प्लस कंपोजाइट भी हो, तो कंपोजाइट क्या होगा, 4 और 6, तो यानी 2 हो गया। तो हमारे फेवरेबल चांस कितने हो गए, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 5/6, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर हम दो डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ चांस कितने होंगे।
हमने इसका फार्मूला बताया था 6 to the power n, तो यहाँ पे 6 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हमारे 36 क्या होंगे, आउटकम्स हो जाएंगे। तो इनको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, सिमिलरली 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, इसी तरीके से 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, सिमिलरली 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4, 5 5 और 5 6। सिमिलरली 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6, ये हमारे आगे टोटल आउटकम्स। अब हमसे कह रहा है कि डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बच्चों एक डबलेट तो हमें ये 1 1 मिल रहा है, दूसरा हमको 2 2 मिल रहा है, फिर हमको 3 3 मिल रहा है, फिर हमको 4 4 मिल रहा है, फिर हमको 5 5, फिर हमको 6 6। डबलेट का मतलब होता है कि ऐसा पेयर जिसके दोनों नंबर क्या हों, सेम हों। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यहाँ पे, तो फेवरेबल चांस क्या हो गया 6, और टोटल चांस कितने हैं 36, तो आंसर क्या हो गया 1/6, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए देन। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन लेस देन 0 बिल्कुल गलत हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निगेटिव नहीं हो सकती है। ग्रेटर देन 1 दिया गया बच्चों, ये भी गलत हो जाएगा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सी ऑप्शन कह रहा है कि 0 से ग्रेटर होगी, इक्वल होगी, और 1 से लेस और इक्वल होगी, बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ बच्चों -1 दे दिया, तो ऑप्शन हमारा डी भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा इफ़ अ नंबर एक्स इज चूजन फ्रॉम द नंबर 1 2 3, यानी हमको एक्स चूज करना है किससे, 1 2 और 3, और कह रहा वाई जो है एक नंबर उसको किससे चूज करना है, 1, 4, 9 इससे चूज करना है, और कह रहा प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है एक्स वाई की जो लेस देन 9 हो। तो सबसे पहले आप समझ लो कि टोटल चांस कितने होंगे, तो कैसे आप समझोगे, अगर हम एक्स का 1 ले रहे हैं, तो अगर एक्स का 1 ले रहे तो उसके पास 3 ऑप्शन रहेंगे मल्टीप्लाई होने के, एक बार वो 1 से भी हो सकता है, एक बार 4 से, एक बार 9 से। सिमिलरली अगर हम 2 लेंगे एक्स का, तो वाई क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है। सिमिलरली अगर हम एक्स 3 लेंगे, तो हमारे पास वाई क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो टोटल चांस बच्चों कितने हो गए, 9। अगर हम फेवरेबल चांस की बात करें, तो हमको ऐसा मल्टीप्लाई लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 9 से लेस आए। तो पहला अगर 1 1 करेंगे तो 1 आएगा, ये हो जाएगा, 1 4 करेंगे तो 4 आएगा, ये हो जाएगा, और 1 और 9 करेंगे तो 9 आएगा, तो ये नहीं होगा क्योंकि 9 के इक्वल हो गया। यहाँ देखते हैं 2 1 करेंगे तो 2 आएगा, ये भी हो जाएगा, 2 4 करेंगे तो 8 आएगा, ये भी होगा, और 2 9 18, तो ये हमारा 18 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब 3 1 करेंगे तो ये 3 आएगा, ये हो सकता है, 3 4 करेंगे तो 12 आएगा, ये भी नहीं होगा, और 3 9 करेंगे तो 27, तो ये भी हमारा फेवरेबल चांस में नहीं आ सकता। तो बच्चों कितने हमारे आउटकम्स हो गए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 और 5, तो हमारे फेवरेबल चांस क्या हो गया, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, 5/9, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा आप लोग। फिर कह रहा अ बैग कंटेन 3 green marble, यानी एक बैग में 3 green marble हैं, और कह रहा है 4 blue marble हैं, और कह रहा है 2 orange marble हैं। अब हमसे कह रहा है कि इफ़ आ मार्बल इज़ पिक्ड एट रेंडम, एक मार्बल निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट इट इज़ नॉट एन ऑरेंज मार्बल। सबसे पहले हम इसको सम कर लेते हैं, तो 9 हमारे पास क्या आ गई, टोटल मार्बल आ गई। अब हमसे कह रहा है कि वो ऑरेंज मार्बल ना हो, तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज निकाल लें, तो ऑरेंज का फेवरेबल चांस क्या हो जाएगा, 2, और हमारा टोटल क्या दिया गया, 9, तो 2/9 आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज। अब हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑरेंज, तो हम 1 से माइनस कर देते हैं, ये तो हमारा क्या है, फार्मूला होता है, तो यहाँ पे हम 9 ले लेंगे, तो 9 - 2, तो ये क्या होगा, 7/9, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400, यानी टोटल चांस हमें दिए गए हैं 400, और कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो 0.035 दी गई है। तो कह रहा नंबर ऑफ बैड एग्स क्या होंगे, तो अब बच्चों हमें क्या करना है
कि ये जो प्रोबेबिलिटी इवेंट की दी गई है ये कैसी है, बैड एग्स की दी गई। कह रहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल चांस अपॉन क्या होगा, टोटल चांस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या दिया गया, बैड एग, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बैड एग अपॉन क्या होगा, टोटल एग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग क्या दी गई, 0.035, और बैड एग हमको क्या करने हैं, निकालने, और कितना दिया गया है टोटल नंबर ऑफ चांस, यानी दिया गया है 400। तो इसको आप करा दीजिए मल्टीप्लाई, तो बैड एग की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये दो जीरो से ये हमारा पॉइंट क्या होगा, कैंसिल होकर के यहाँ आ जाएगा। आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो 4 5 20 हो जाएगा, 4 3 12 2 14, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी भी दी गई है बैड एग की और नंबर ऑफ बैड एग्स उसने क्या किए हैं, पूछे भी हैं। अगर वो गुड कहता तो हम 400 से 14 को माइनस कर देते, तो यहाँ से गुड एग निकल आते। फिर कह रहा अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08। यानी हमें दिया क्या गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन वो क्या दिया गया, 0.08। फिर कह रहा है 6000 टिकट्स आर सोल्ड, यानी टोटल चांस दिया गया है 6000। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी टिकट्स हैज सी बॉट, यानी उसने कितनी टिकट्स क्या खरीदी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो विन होगा वो नंबर ऑफ टिकट्स क्या होगा, सी बॉट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टिकट्स सी बॉट अपॉन क्या होगा, टोटल टिकट्स लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू डाल दीजिए 0.08, और जो टिकट्स हमें निकालनी उनको हम एक्सेलेट कर लेते हैं, और नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी 6000। तो ये करा देंगे मल्टीप्लाई, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 6000 इंटू 0.08। तो आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 480, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द इवेंट ई इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हर्ट, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। यानी कोई इवेंट ई है, पहले हम समझ लेते हैं कि ई इवेंट क्या कह रहा है। तो एक ई इवेंट है, इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हर्ट। अब बच्चों हमें पता है कि 52 कार्ड्स होते हैं, अब एक कार्ड ऐसा हमको नहीं लेना है जो एस किसका हो, हर्ट का हो। तो बच्चों एक ही एस होता है जो हर्ट का होता है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने फेवरेबल चांस हो गए, 51। तो हमसे यही पूछ रहा है कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बड़ी आसानी से हम इसमें आंसर इसका निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, अगर कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी पी दी गई है, तो कह रहा बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो ये हम क्या करेंगे, 1 - p कर देंगे, तो ये भी हमारा बड़ा आसान सा जो है रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टू कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। अब हमको क्या करना है कि दो कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करना है, तो हमारे पास टोटल चांस क्या हो जाएंगे, दोनों पे हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है, एक पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल टेल, यानी हमारे पास टोटल चांस कितने होंगे, 4। अब हमसे कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। बच्चों एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं, इसको आप याद रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे कह रहा एट मोस्ट वन हेड, यानी वन हेड हो सकता है और क्या हो सकता है, ज़ीरो हेड हो सकता है, वन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो पहले वन हेड की बात करें, तो वन हेड में क्या होगा, हमारा एक ही आउटकम है, एक ही आउटकम से तो 2 हो गए, और ज़ीरो हेड में क्या होगा, जहाँ पे कोई हेड नहीं तो एक आउटकम सी हो जाएगा, तो फेवरेबल चांस क्या हो गया, 2 + 1 यानी आ गया 3। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा एन इवेंट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन, यानी कि बहुत कम होने के चांस हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी किसके क्लोजेस्ट होगी। तो बच्चों यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया 0.0001, दूसरा दिया गया 0.001, और तीसरा दिया 0.01, और लास्ट वाला 0.1 दिया गया। तो सबसे कम होने के चांस जो हैं वो ऑप्शन ए के हैं,
आप इसको देख करके ही आंसर कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यानी कि एन इवेंट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन, अगर ये लाइकली टू हैपन कहता तो हम 0.1 लगा देते, मतलब जिसके होने के ज़्यादा चांस हैं। अनलाइकली टू हैपन मतलब कि बहुत कम होने के चांस है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे थे प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑकरेंस कैन नेवर बी, तो लेस देन 100 हो सकता है, लेस देन 0 बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी भी निगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ग्रेटर देन 1 ये भी हो सकता है, एनी थिंग बट अ होल नंबर ये भी हो सकता है, तो ऑप्शन हमारा बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बी पे आप राइट आंसर लगा दोगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसी के साथ ये हमारे सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और आप अपनी जो भी तैयारी है एग्ज़ाम की उसमें आप सबसे पहले सारे फार्मूले सारे कॉन्सेप्ट आप लिख लिख करके अच्छे से उनको रिवाइज करें, लर्न करें, क्योंकि पेपर में बेसिक की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एमसीक्यूज़ का जो है आपका एग्ज़ाम है, एमसीक्यूज़ में आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो आप शेयर करें और आप अच्छे से तैयारी करते रहें, आपका जो एग्ज़ाम आपकी उम्मीद से अच्छा होगा, ऐसी हमारी बिल्कुल आपको जो है कह सकते हैं कि आपको ऐसी शुभकामनाएं हैं कि आप अपना एग्ज़ाम अपनी उम्मीद से अच्छा करें। थैंक यू।